नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हो kingcraft.com। फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं, उन सारी जानकारी के लिए आपको आना पड़ेगा वेबसाइट kingcraft.com पर। और यहाँ पर देखिए, ये जो लिंक है, इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही मैं डाल दूंगा, तो इस वेबसाइट को बहुत ही प्यार से आप ओपन कर सकते हो kingcraft.com। और यहाँ पर आप आएंगे तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि लास्ट डेट कब है इसका, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसकी बिगिनिंग डेट क्या है, 23/6/2020 से आपको फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट डेट कब है, 14/7/2020। ठीक है, इसकी जो लास्ट फीस डेट क्या है, मतलब लास्ट डेट कब है पैसा जमा करने का, तो 14/7/2020, 14 जुलाई 2020 तक आप जमा कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी सून है। एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड डेट ठीक है, और रिजल्ट डिक्लेयर डेट, वो सब सून है। जैसे ही क्लियर होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बशर्ते आपको मेरे को वीडियो के नीचे मेरे दिए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। आप अपना रोल नंबर वगैरह मुझे वहां पर शेयर करेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो मैं सारी चीजें निकाल के, जैसे कि एग्जामिनेशन डेट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, और रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर होगा कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, उस सारी चीजें मैं वहां पर दे दूंगा। तो अब आइए देख लेते हैं फीस के बारे में। फीस देख लेते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को ₹500 देना पड़ेगा, एससी एसटी पीएच वालों को लिए ₹250 देना पड़ेगा, और ऑल कैटेगरी फीमेल, जितने भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनको ₹250 देना पड़ेगा। पैसे आप जमा कैसे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सबसे पहले बता दूं, ये सब शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म में आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं एज लिमिटेशन क्या है। 1/1/2020 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपकी 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 42 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आपका जो एज में जो छूट वगैरह मिलेगा वो आप नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। वैकेंसी डिटेल अब आइए देख लेते हैं, तो वैकेंसी डिटेल यहां पर 1050 पोस्ट है टोटल। अब आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या है, डिग्री इन बीएससी नर्सिंग, और या फिर, और का मतलब मैंने यहाँ पर और लगा दिया, तो या फिर आपके पास जेएनएम होना चाहिए, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, जेएनएम जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है ये इंडियन नर्सिंग काउंसलर से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। डेट है, एप्लीकेशन है, कैसे पैसे जमा करने हैं, एज, वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी वगैरह। अब आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे भरने, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह। तो मैं पहले से बता दूं, इसका ऑनर मैं नहीं हूं, जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं इस वेबसाइट के माध्यम से लिया हूं और यही इसका ऑनर है। तो पहली चीज की मैं आपको कैसे फॉर्म भरेंगे, इसके लॉगिन कहाँ से मुझे मिलेगा, और डाउनलोड नोटिफिकेशन वगैरह कैसे मिलेगा। तो पहले पहले तो मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दूंगा, फिर अगर नहीं समझ में आता आपको वेबसाइट के माध्यम से, तो ये डायरेक्टली आप यहाँ से, जो मैंने लिंक दे रखा है वहां से भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं उसे चलता हूँ वेबसाइट पे। तो वेबसाइट के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अब यहाँ पर देखिए, सबसे लास्ट इन साइट पे आप देखिए सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी हेल्पर, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, NHM, ये सारा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होके आपके सामने आ जाएगा, और टॉप पर ही देखिए, यहाँ पर ये देखिए टॉप पर ही दिया हुआ है पूरा ऑप्शन, जेएनएम और एएनएम का, सॉरी जेएनएम और बीएससी नर्सिंग का। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर 6 मंथ सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर देना है, मतलब सेकेंड वाले पे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी थी अभी पीछे, उस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 6 मंथ का ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन का, 6 मंथ का सर्टिफिकेशन के साथ, ये सारा आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सैलरी वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे, 15,000, 25,000 जेएनएम और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेशन होगा। उसके बाद देखिए एज मैक्सिमम क्या है, 1/1/2020 जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जनरल ओबीसी वालों के लिए 42, 45 और 47 जो भी है छूट जो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट है, जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 174, 95, टोटल आप जोड़ लेंगे तो 1050 वैकेंसी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कोर्स, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग जो भी आप फॉर्म भरेंगे, तो पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी आप यहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किसको
कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख लीजिए। नोट यहाँ पर, यह नोट आप आराम से पढ़ लेना पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 14 जुलाई 2020 शाम को 6 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फीस का, एप्लीकेशन फी क्या है, 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, SC ST वालों के लिए और फीमेल कैटेगरी ऑल कैटेगरी को 250 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग जोड़ा जाएगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हो गया। अगर नहीं समझ में आता, जी हाँ कर रहे आप उसके बारे में, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो कमेंट में जरूर आपको मैं बता दूंगा। तो ये रहे आपकी नोटिफिकेशन। अब आइए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे अप्लाई, अगर आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है और भरना है तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको एक नया टैब ओपन होके आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन, ये दो ऑप्शन के ऊपर ही हमें अब बात करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू कैंडिडेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ऑलरेडी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका। आइए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए और नया टैब ओपन होके आ जाएगा। तो आप जैसे ही नए टैब के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट को अपना नाम पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक रेंडमली लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, यस या नो कर लीजिए, जो भी करना है लिख लीजिए। तो कुल मिला के आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म को भरना है और सबमिट, यहाँ देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, सबमिट एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये सारा सब कुछ डालने के बाद आप इसको आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर, मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ रीजन की काफी टाइम लग जाएगा, मुझे फॉर्म भरना भी नहीं है, मैं तो समझाने के लिए चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह है, फोटो है, सिग्नेचर है और पेमेंट है, वो सब कुछ पे करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे आना है। जब आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पर डालेंगे, जब आप उसको पूरा सब कुछ सबमिट कर देंगे अच्छे से, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपने फॉर्म भरते समय डालेंगे, और ये कैप्चा कोड डाल देंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर देंगे तो आपका सारा सब कुछ यहाँ पर ओपन होके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करना, मुझे ट्विटर पे ट्वीट कर देना, जिसका ट्विटर पे ट्वीट आएगा मैं उसे स्पेशली कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे या फिर मिल के, जो भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करके ट्वीट करेगा मैं उसको क्लियर बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हो गया लॉगिन, लॉगिन कर लिए। अब आपको मैंने बता दिया लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और नोटिफिकेशन। तो ये रहा वेबसाइट के माध्यम से। अब मैं इसको वेबसाइट को कर देता हूँ बंद। अब वही सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती कि वेबसाइट में थोड़ा सा लफड़ा है, काफी लंबा है, लेंदी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए। मैंने दे रखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म को भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है डायरेक्टली यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर लें। उसके बाद आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन का ऑप्शन मैंने दे रखा है यहाँ पे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही नोटिफिकेशन जो मैंने पहले बताया यहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास रख लेते हैं। अब देखिए मैंने दोनों चीजें बता दी हैं वेबसाइट के माध्यम से और इसके माध्यम से। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं समझ में आता तो info@kingcroft.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, नहीं समझ में आता तो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हाँ यार इसमें सब फॉलो कर लेना, ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, जी हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इतनी देर से मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी तो यार वीडियो लाइक कर दो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही नई नई नोटिफिकेशन और नई नई जॉब आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए जॉब के साथ, किसी नए प्राइवेट जॉब के साथ या फिर किसी टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।